सरकार के नियत में ही खोट हो तो इंटरनेट बंद करने या चालू रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये सरकार के पूरा जो मिशनरी है वो नौकरी देने से ज़्यादा नौकरी का आडंबर रच करके युवाओं को ठगने का है। लेकिन इंटरनेट का बंद करना भी लोग बर्दाश्त कर लिया, लेकिन परीक्षाएं लीक करके आप युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, ना यहाँ के छात्रों का, ना झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त करिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अमर बावरी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, किस रूप से देख रहे हैं झारखंड में जो है कि दो दिनों तक इंटरनेट सेवा ठप थी, उसके बावजूद जो है कि JSEC का पेपर जो है कि लीक हो चुका है, 6.5 लाख अभ्यर्थियों का जीवन अंधकार में नजर आ रहा है। जब सरकार के नियत में ही खोट हो तो इंटरनेट बंद करने या चालू रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये सरकार के पूरा जो मिशनरी है वो नौकरी देने से ज़्यादा नौकरी का आडंबर रच करके युवाओं को ठगने का है। और आप सब देखे होंगे कि किस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए बाकायदा अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार फ्रॉड है और फ्रॉड का सहारा लेती है। तो ठग सरकार से ठगी का ही उम्मीद है, और इन्होंने ठग के सरकार भी लिया, ठग रहा बच्चों को भी। तो ये जो क्या इंटरनेट सेवा ठप करना, पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ की जनता त्रस्त रही 2 दिनों तक, क्या ये आईवास था? लेकिन इंटरनेट का बंद करना भी लोग बर्दाश्त कर लिया, लेकिन परीक्षाएं लीक करके आप युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, ना यहाँ के छात्रों का, ना झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त करिए। सर, एक तरफ हेमंत जी जो है कि अपने पूरे कैबिनेट को लगा दिए हैं इस काम में कि मैया सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं पूरे झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में, क्या लगता है मैया सम्मान योजना के माध्यम से हेमंत जी का चुनावी नैया पार हो पाएगा? पहले उन माताओं बहनों को सम्मान करना, उनकी सुरक्षा का गारंटी लेना का जिम्मेवारी जो देश ने दिया है, झारखंड ने दिया है, उसको तो संभाल लें। मैया सम्मान के नाम पर अपने वोट बैंक को और अपने वोट को खरीदने का जो जुगत लगा रहे हैं, जो लालच दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, वो पूरा होने वाला नहीं है। राज्य सरकार का पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि जाने के उल्टे दिन प्रारंभ हो चुके हैं, और यह कोई भी कवायद उनको वापस नहीं ला सकती है। सर, आप लोग का भी जो है कि परिवर्तन यात्रा निकाले हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि झारखंड में परिवर्तन यात्रा का जो है कि बदलाव नज़र आएगा? परिवर्तन असंभावी है, पूरे झारखंड प्रदेश में चारों तरफ परिवर्तन के लिए लोग तैयार हैं, और झारखंड प्रदेश आज परिवर्तन को नेतृत्व देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है। आप लोग की तैयारी पूरी है 100%। चलिए, ये थे अमर बावरी, नेता प्रतिपक्ष। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हेमंत जी जो है कि अपना ही पीठ थपथपाने के लिए इंटरनेट सेवा ठप किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है कि जो JSEC का पेपर था वो लीक हो गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या चुनावी दौर में हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल के आखिरी दौर पे, चुनाव से ठीक पहले अपने कार्यकाल में रहते हुए, क्या इस परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी वो निष्पक्ष जांच कराते हैं, और छात्रों को क्या न्याय दे पाते हैं या नहीं। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।